गुड मॉर्निंग बच्चे। हाँ स्नान किए हो कि नहीं? कैसे राम, स्नान किए हो कि नहीं? कुछ नहीं बोलेगा सब। मोहित मोहित आवाज जा रही है? तो कुछ तो बोलो यार, क्या है शांत लगा जाते हो? गुड मॉर्निंग। आ रहे आवाज? क्या आ रहे आवाज? हाँ बोलो बेटा। वेट नहीं हो रहा है, क्यों? इसे ट्राई करो। सर्वर कैसे हुए क्या? आज मैं भी थोड़ा लेट ही जगा हूं। और सब बच्चे कहाँ गए? गो ज्वाइन फास्ट, लिखे ज्वाइन फास्ट इन द ग्रुप। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। लिखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ इस, तो रिप्लाई करिए भाई। टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, मतलब दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग एक साथ कंबाइंड करेंगे उसका इफेक्ट क्या होगा। देखिए कॉम्बिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? सीरीज और पैरेलल। फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? ये स्प्रिंग फर्स्ट है और यह स्प्रिंग सेकेंड है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के वन है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के टू है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ?
सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एवरी पॉइंट पे टेंशन सेम होता है, क्या होता है, हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है, बात समझ में आ रही है क्या? यस, एवरी एट इन इस इन सीरीज कॉम्बिनेशन टेंशन एवरी पॉइंट ऑफ स्प्रिंग must be ये क्या हो रहा है भाई? हेलो, मस्ट बी सेम, ठीक है, एवरी पॉइंट पे स्प्रिंग टेंशन क्या होता है, सेम होता है, इसका मीनिंग देखिए, और मान लीजिए यहां पे एक एक्सटर्नल लगाए, क्लियर, वो बाहर की तरफ स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहा है, तो स्प्रिंग के अंदर क्या लगेगा, स्प्रिंग के अंदर क्या लगेगा, एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, इधर क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि यह स्प्रिंग फोर्स चाहेगा कि बॉडी डिस्टॉर्ट नहीं हो, बॉडी एक्सपेंड ना हो, बल्कि अपने ओरिजिनल शेप को गेन करते रहे, बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या? सेम थिंग एट एवरी पॉइंट, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कट करोगे तो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट, मीन्स एवरी पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, सेम होगा, बता लो, बना इजिली बने, क्या मैं अब करूं, दो मिनट, अच्छा क्या हुआ, लॉकडाउन तो नहीं लगा है ना भाई? सर मतलब लगा है लेकिन सर, पूरा तरह से अभी तक नहीं बताया अभी तक, अच्छा पूरी तरह नहीं लगा है, पूरी तरह नहीं लगा है, नहीं सर क्या मैं ना करूं बेटा? यस सर, अब बताइए इस स्प्रिंग पे एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल लगाया गया तो यह इलोंगेट होगा, क्या होगा, देखो इधर जाने, यहां पे एक्सटर्नल फोर्स मतलब यहाँ पे इसी स्प्रिंग को यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स बाहर से खींचा गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K2 है। यह इलोंगेट कितना होगा? X1 है। यह इलोंगेट कितना? यह इलोंगेट होगा X1 और यह इलोंगेट होगा किसके भाई? साउंड में दिक्कत आ रही है, क्लियर, कोई डाउट? यस सर, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एवरी स्प्रिंग पे स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, सेम होगा, नहीं होगा, होगा, तो बेटा रे इस स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग फोर्स एफ एस इक्वल टू क्या होगा, K1X1, हाँ या ना? Yes, इसके लिए होगा, यस सर,
x1 का वैल्यू क्या होगा, एफ एस बाई के वन, क्लियर है, इलोंगेशन ऑफ फर्स्ट स्प्रिंग। नाउ सेकेंड स्प्रिंग की बात करें, एफ एस, क्यों एफ एस लिख रहा हूं हर जगह, क्यों एफ एस लिख रहा हूं ये बताइए, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स एट एवरी मोमेंट क्या हो रहा है, सेम है, सेम है, क्या होगा, एफ एस इक्वल टू के टू इंटू एक्स टू, एक्स टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस बाई के टू लिख सकता हूं। ए क्या है, ए क्या है, इलोंगेशन ड्यू टू सेकेंड स्प्रिंग, ए क्या है, इलोंगेशन ड्यू टू फर्स्ट स्प्रिंग, बट दोनों स्प्रिंग पे फोर्स कितना लग रहा है, सेम, कितना फोर्स लग रहा है, सेम। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि पांडे सर अगर स्प्रिंग पे फोर्स सेम लग रहा है तो इलोंगेशन अलग क्यों लगेगा, क्यों होगा, नहीं समझे। अगर दो स्प्रिंग हमने लिया, मान लिया एक स्प्रिंग ए लिया और एक स्प्रिंग ए लिया और यहां पे फिक्स कर दिया और दोनों को फोर्स सेम लगाया, बात समझ में आ रही है क्या, या तो यह इलोंगेट ज्यादा होगा या इलोंगेट कम क्यों होगा, बात समझ में आ रही है क्या। इसका वजह है कि स्प्रिंग का मटेरियल, ऐसा भी हो सकता है कि एक स्प्रिंग क्या कहलाते स्टील का बना हो तो एक स्प्रिंग कॉपर का बना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हाँ सर। तो दोनों की स्प्रिंग के मटेरियल पे डिपेंड करेगा, स्प्रिंग का मटेरियल जैसा होगा उसके अनुसार इलोंगेशन होगा, क्लियर हुआ। यस सर। मैं आगे बढ़ूं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। टोटल नेट इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग अगर बात करें, नेट इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग कितना आ जाएगा, टोटल इलोंगेशन कितना होगा, x1 प्लस x, पहले लिख लेते हैं x नेट, x1 लिख सकते हैं टोटल या स्प्रिंग सिस्टम का इलोंगेशन, इसका x1 है इसका कितना है, तो टोटल इलोंगेशन क्या हो गया, x1 प्लस x2 लिखिए, एक्स वन की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा, एक्स टू की जगह पर क्या लिखेंगे, ऊपर का रफ करूं, ऊपर का रफ करूं, यस यस सर, मतलब फाइनली हमारे पास क्या है, नेट इलोंगेशन ऑफ द कंबाइंड स्प्रिंग ऑफ द सीरीज combined springs x net equal to कितना आ गया बेटा, fs by k2। अब आइए next point। अब दोनों स्प्रिंग को कंबाइन करके एक अलग स्प्रिंग लिए, इन सच वे दैट कि वो दोनों स्प्रिंग का प्रॉपर्टी इसी स्प्रिंग में कंबाइंड है, नहीं समझे, मैं समझा रहा हूं। जैसे अनाम शिंदे yes, ऐसा लड़का है जिसका राइटिंग बहुत अच्छा, समझना मेरी बात, अनाम शिंदे एक ऐसा लड़का है जिसका राइटिंग बहुत अच्छा है, क्लियर,
क्लियर? अरे बोलो ना हाँ या ना, बोलो ना हाँ या ना। हाँ, मान लो कि मानसी एक ऐसी बच्ची है जिसकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, क्लियर वो? अच्छा, अब हमें कोई ऐसा बच्चा चाहिए जो कि राइटिंग भी बहुत अच्छी हो और मेमोरी पावर भी बहुत अच्छा हो। तो हमने मान लिया कि मयूर, मान लिया मयूर, मयूर एक ऐसा बच्चा है जिसकी राइटिंग भी अच्छी है और मेमोरी पावर भी अच्छा है। तो आप बताओ मयूर किसके इक्वल है? मानसी और आनंद प्लस। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? मयूर एक ऐसा बच्चा है जिसका राइटिंग भी अच्छी है और मेमोरी पावर भी अच्छा है। मयूर अपना मत स्पीकर अपना बता रहे, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। लेकिन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी अलग अलग था बच्चों का। तो अभी हमने बताया दो अलग अलग स्प्रिंग था जिसका इलोंगेशन x1 था और दूसरे का इलोंगेशन x2 था, क्लियर हुआ? अब दोनों का इलोंगेशन कंबाइन करके वह क्या ले लिया? एक अलग स्प्रिंग लिया। इसका नाम है इक्विवेलेंट स्प्रिंग। क्या नाम है? पप्पा हो तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कौन है भाई? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? के इक्विवेलेंट क्या होगा? और इसका नेट इलोंगेशन क्या होगा? एक्स वन प्लस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। इसका नेट इलोंगेशन कितना होगा? एक्स वन प्लस, एक्स वन प्लस। क्या समझ में आ रहा है बच्चों को? यस yes, आप बताइए तो आप बोलेंगे एफ एक्सटर्नल इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे सर। और स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू के इक्विवेलेंट इनटू एक्स वन प्लस एक्स टू, यह बोलेंगे? स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू के इक्विवेलेंट इनटू टोटल इलोंगेशन कितना? एक्स वन प्लस एक्स टू। कोई डाउट? नो सर। बताइए तो के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा या एक्स वन प्लस एक्स टू क्या आएगा? एक्स वन प्लस एक्स टू सर। बेटा बेटा बोलिए बोलिए पीयूष पीयूष बोलो पीयूष चलिए लिख लीजिए। बात समझ में आई सभी बच्चे को? यस सर। यस सर। अब बताइए इसी x1 plus x2 को आप क्या बोले? नेट। x नेट बोले या नहीं बोले? बोले सर। लिख लिए। लिख लिए। रब करो बेटा। यस सर। अब बताइए मेरे को आपने फाइनली क्या देखा? एक्स नेट इक्वल टू एफ एस अपॉन के इक्विवेलेंट। सही है? यह इक्वेशन फर्स्ट है और यह इक्वेशन सेकंड। इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड बोथ का दोनों का क्या है? सेम सेम है, है? इक्वल। तो राइट हैंड साइड क्या होगा? इक्वल। एफ एस बाय के इक्विवेलेंट इक्वल टू एफ एस बाय के वन प्लस एफ एस बाई के टू। क्या हम लिख सकते हैं?
यस सर। यहाँ से एफएस कॉमन होगा क्या? या एफएस और या एफएस आपस में कोई डाउट? नो सर। देन बेटा क्या निकल गया? वन बाय के इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाय के वन प्लस लिखें। बढ़ो आगे। हाँ सर करो करो। इसका मतलब फाइनली हमने क्या सीखा? इफ two springs are combined in series, then k equivalent, one by k equivalent क्या आया? one upon k one plus one upon k two। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम लेने आता है yes। कितना आ जाएगा? क्लियर हो? यस सर। इसको रिवर्स कर दी, के एक मिनट निकाला तो ऊपर जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यस सर। यह किसके लिए है? टू स्प्रिंग्स आर कंबाइंड इन सीरीज। क्या पढ़ूं आगे? क्या पढ़ूं आगे बेटा? यस सर। चल इसी में पॉइंट और है, रख पा दो ना। यस सर। टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स आर कंबाइंड इन सीरीज। लिखिएगा टू आइडेंटिकल मतलब सेम स्प्रिंग्स आर कंबाइंड इन सीरीज। तो इसका मतलब क्या हुआ? के वन इक्वल टू होगा क्या? यस। ये बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस। तो हमारा इक्वेशन क्या था सीरीज का? के वन के टू अपन के वन प्लस के, यही था ना? यस। क्या आ जाएगा? यही होगा बेटा। कितना आ गया? के अपॉन टू। क्या
क्या मैं रफ करूं? यस सर। यस सर। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। इन स्मॉल इन स्प्रिंग्स आर कंबाइंड इन सीरीज। आर कंबाइनिंग सीरीज। फॉर्मूला क्या होगा बेटा? होगा नहीं होगा? यस। क्या क्लियर है सभी लोग? नेक्स्ट पॉइंट। एन आइडेंटिकल स्प्रिंग्स आर कंबाइंड इन सीरीज, तो क्या होगा बता सकते हैं? कितना बार है? एन तक। एन तक, तो क्या इसको लिख सकता हूं? क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? Yes. क्या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं? Yes. बोलो बेटा पीयूष, बोलो क्या बोल रहे हो? सर एक बार फिर एक्सप्लेन करो ना। हाँ कहाँ से बेटा, कहाँ से? शुरू से सर। आइडेंटिटी नहीं सर, स्टार्टिंग से नहीं। के इक्विवेलेंट प्लस इज इक्वल्स टू के वन, के वन अपॉन के प्लस वन अपॉन ये वाला। यस सर। यस सर। ठीक, मैं करता हूँ, इसको लिख लीजिए, मैं फिर से करता हूं। इसको ऊपर कर दो, रिवर्स करो तो क्या होगा? हो गया। क्या मैं रफ करूं? यस सर। चलिए मैं फिर से इसको समझा रहा हूं। पीयूष, जवाब देना है। सुनो जैसे बेटा रे, यह दो स्प्रिंग है के वन और के टू, हाँ या ना? यस सर। इस पे फोर्स लग रहा था तो यह क्या हो रहा था? इलोंगेट हो रहा था, हाँ या ना बेटा? यस सर। कोई डाउट? नो सर। फर्स्ट स्प्रिंग का इलोंगेशन एक्स वन था और सेकंड स्प्रिंग का इलोंगेशन कितना हमने बोला था? एक्स टू। कोई दिक्कत? फर्स्ट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के वन, सेकंड का के टू। क्लियर? यस सर। बेटा इसका एक फॉर्मूला हमने निकाला था, क्या निकाला था? वन बाई के इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू निकाला था। के टू। यस सर। आया ना? यस सर। बेटा रे अब मैं इसको रफ करूं, समझ में आया यहां तक? यस सर। चलिए अगर मान लो दो के जगह तीन स्प्रिंग होता, थ्री स्प्रिंग्स होता, अगर ऐसा रहता देन व्हाट हैपेंड? के वन के टू, इसका के इक्विवेलेंट क्या होता बताओ तुम?
होता या नहीं होता? यस सर। ये बात समझ में आ रहा है या प्रूफ करूं? यस सर समझ गया। कोई डाउट? नो सर। अगर यह 3 की जगह 4 होता देन देन वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू प्लस वन अपॉन के थ्री प्लस वन अपॉन के फोर के फोर के जगह एन नंबर ऑफ स्प्रिंग होता देन वन अपॉन के एन। क्या ऐसा होता है या नहीं होता? यस सर। नहीं समझे? समझा सर। अगर मान लिया यह के वन के टू के थ्री के फोर डॉट 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 के एन क्या है? स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ स्प्रिंग है या नहीं? यस सर। सपोज कि सभी स्प्रिंग सेम है, मान लिया कि यह स्प्रिंग यह स्प्रिंग यह स्प्रिंग सभी स्प्रिंग सेम है, सेम मटेरियल का बना है, सेम लेंथ है, सब कुछ सेम है, तो के वन के टू के थ्री के फोर सब क्या हो जाएगा? बोलिए। के वन के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब मटेरियल सेम हो तब, क्योंकि k स्प्रिंग कांस्टेंट है और k किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। में कितना बार बता चुका हूं k किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करता है। तो इस केस में k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू k3 इक्वल टू k4 डॉट डॉट इक्वल टू kn होगा या नहीं होगा? यस सर। कब? जब स्प्रिंग्स का मटेरियल सेम होगा, तब होगा। तब क्या आ जाएगा? k equivalent equal to 1 by k plus 1 by k plus 1 by k plus dot 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 कितने टाइम्स में जाएगा? n। पीयूष। यस सर। हमारे पास एक पेटी मैंगो है, क्लियर? यस सर। और हमारे पास 11 स्टूडेंट हैं, कितना मैंगो यूज होगा? कितना मैंगो यूज्ड होगा? कितना मैंगो यूज्ड होगा? बांटना है, कितना मैंगो बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। 11 ही होगा सर। कैसे निकाला आपने कैसे निकाला? मैंगो इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, यही किए ना? यस सर। मैंगो वन मैंगो इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के है, सबका के है। कितना स्प्रिंग है भाई? एन नंबर। तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? के ऑफ एन। के ऑफ एन या एन के? एन के सॉरी। नहीं समझे। के ऑफ एन कब होता है ये बताइए? 11 by या 1 by 11 mango कब होता? 1 mango by 11 कब होता? जब एक mango रहता और 11 बच्चों को बांटता होता। एक mango और 11 बच्चे रहते हैं। Yes sir। लेकिन हमारे पास कितने mango है? 11। हमारे पास 11 mango है। तो हम सबको बच्चों को एक एक mango बांटेंगे या नहीं बांटेंगे? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर। तो बस n into k हो जाएगा, 1 by k equivalent equal to n total number upon k, clear हुआ? यह हमने क्यों किया? क्योंकि देखिए n और spring constant कितना था? 1 by k, multiply कर दिया। समझ में आया नहीं आया? Yes sir समझे। Once more एक बार और समझाऊं, एक बार और समझाऊं। अरे बोलो ना, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। समझे सर। बोलो। रख करूं? यस सर। यस सर। अब आइए इसका एप्लीकेशन। अभी पैरेलल बाकी है मेरे दोस्त, पैरेलल कम्युनिकेशन बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जान जाते हैं फिर आगे बढ़ते। बेटा रे याद करो दिन जब हमने पढ़ाया था कि स्प्रिंग होगा उसमें एक ब्लॉक होगा और यह एक्सपेंड करेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के होगा, इसका इक्वेशन बताया था
या क्या परफॉर्म करेगा, या क्या परफॉर्म करेगा, पूछ रहा हूं आपसे, ये क्या करेगा? अरे भगवान, मैं कितना बार बता चुका हूं, ये अप डाउन करेगा रे भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। यस सर, यस सर, यस सर, बताया हूं यार, कितना बार बताया हूं। इसका क्या इक्वेशन होगा? डी टू एक्स बाय डी डी, क्या यह बताया क्या? देखो तो कॉपी में है, यस सर, कॉपी में है, यस, क्या कॉपी में है? यस सर, के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। एम क्या है? मास ऑफ ब्लॉक। बताया गया बेटा, याद होगा, यहां से ओमेगा नॉट स्क्वायर को क्या करते थे? के बाई एम लिखते थे, याद है? यस यस सर। ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट के बाई एम। तो टी इक्वल टू क्या होता है? टू पाई बाई एम बाई के रूट में पाई बाई कितना आ जाएगा? बताया गया है? यस सर। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वन बाई टी होता है, कितना आ जाएगा? ये सारे सभी चीजें बता चुका हूं। ये सभी चीजें आपके कॉपी में अवेलेबल हैं। समझ में आया? बोलो। यस सर। क्या मैं रेफ करूं? यस सर। यस सर। नहीं सर, दो मिनट। ये सभी चीजें एक्सप्लेन कर, यह इक्वेशन कैसे आया भी बताया हूं, समझे? चलियो रफ कर दूं या बाकी अभी रुकूं, वेट करूं? सर कर दो सर। टाइम अप रिज्वाइन। चले, अगर यही क्वेश्चन ऐसे हो जाए देन क्या होगा बेटा? यह सिस्टम क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। बोलो, रिप्लाई करो, ऑसिलेट करेगा? हाँ सर, करेगा। यस सर। परफॉर्म करेगा। यस सर। इसका केस या कैसे है? सीरीज में है कि पैरेलल में है? सीरीज। सीरीज में के इक्विवेलेंट क्या होगा? वन अपॉन हाँ सॉरी के वन अपॉन के टू प्लस के वन प्लस के टू। बताया गया है? बताया गया है। हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर।